हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणतज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं। प्रश्न दिया हुआ है, यदि 29 की घात 75 को 28 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल सबको पता है कि एक ही होगा, लेकिन कैसे होता है ये देख लेते हैं अपन। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 29 की घात कितनी लिखी है, 75 में किसका भाग देना है, 28 का भाग देना है। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 28 की घात 75 माइनस 28 की घात 75, 28 माइनस 1, 28 प्लस 1 की घात 75, 28 प्लस 1 की घात 75 बटे 28, ऐसा लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यदि अपन इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते कि 28 की घात 75 हो जाएगी और यहाँ 28 और यहाँ प्लस 1 की घात 75 बटे 28, तो ये 28 से तो ये कट जाएगा। ठीक है, एक ही बार में कट जाएगा, यहाँ 74 बच जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, घात कितनी दी हुई है 75 दी हुई है और 28 का भाग भी देंगे तो अपन कितना एक शेष बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा एक शेष बचेगा, क्योंकि 71 की घात कितनी भी कर दे वो उतनी ही आती है, मतलब 75 भी करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा अपन को, है ना। थैंक यू, तो इसका आंसर हो जाएगा एक।